मेरे भाइयों, मेरे अजीज हमवतनों, यकम नवंबर 1947 का इवेंट और फिर उसके बाद जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसका आगाज मैं एक तारीख के अहम किस्से से करता हूं जो कि इस वाक़े से ज्यादा ममासलत रखता है। कससुल अनबिया के अंदर हजरत जुलेखा की कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी जो वाकात पेश आ रहे हैं वो हमारी कौमी आज़ादी के वाकात से ज्यादा ममासलत रखते हैं। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी बचे थे, अभी नौजवान थे और वो मिस्र पहुंचे भी नहीं थे, किनान के चाह में उनके भाइयों ने गिरा दिया था, वहां से मिस्र के ताजरों ने अपने साथ उठा के मिस्र लेके गए थे और उसी दौर में मिस्र के अंदर एक बूढ़ा आदमी हुकूमत करता था जिसे अजीज मिस्र का नाम दिया जाता था और जुलेखा मिस्र में भी नहीं बल्कि दूसरे मुल्क के एक शहजादी थी और उनके ख्वाब में बार बार एक नौजवान आते हैं। इस ख्वाब को वो बारहा देखती है और ख्वाब में उस नौजवान की आशिक होती है हजरत जुलेखा, और दूसरी तीसरी मरतबा जब ख्वाब में उनका ये आशिक आता है तो उनसे पूछती है कि आप कौन हैं, तो वो ख्वाब का नौजवान कहता है कि मैं अजीज मिस्र हूं। और हजरत जुलेखा अपने बाप से इसके का जिक्र करती है अपने दोस्तों से या अपनी सहेलियों से कि जिसकी वो आशिक है वो अजीज मिस्र है और हजरत जुलेखा किसी और से शादी करना नहीं चाहती। वो अजीज मिस्र का नाम लेकर बहुत पागलपन की हद तक मजनून होती है। और उस वक्त अजीज मिस्र एक बूढ़ा नौजवान बूढ़ा था और जुलेखा के वालिद जो खुद भी बादशाह थे अजीज मिस्र को पैगाम भेजते हैं कि वो अपनी बेटी का शादी आपके साथ कराना चाहते हैं, तो अजीज मिस्र को खुशी होती है और हैरानगी भी होती है कि एक नौजवान शहजादी क्यों कर मेरे साथ शादी करती। जब उनका निकाह तय होता है और रुख्सती होती है तब तक हजरत जुलेखा अजीज मिस्र को तो नहीं देखती, लेकिन रास्ते में जब खेमे लगे तो अपने सहेली से कहती है कि मेरा शौहर दिखाओ, तो उस वक्त के अजीज मिस्र जो एक बूढ़े थे उसकी सहेली उसको दिखाती है तो वो उसको गश आता है, उसको परेशानी होती है कि ये वही अजीज मिस्र नहीं है जो उसको ख्वाब में आया था। लेकिन ख्वाब में आने वाला अजीज मिस्र एक लंबी कहानी के बाद कहीं जाकर हजरत यूसुफ की शक्ल में जुलेखा के सामने आते हैं और हमारे साथ 1947 में जो कुछ हुआ वो वही अजीज मिस्र है जो बूढ़ा अजीज मिस्र था, और नौजवान अजीज मिस्र जो हजरत यूसुफ है वो अभी जेल में है, अभी वो जिंदान में है, अभी वो मिस्र के बाजारों में बिक रहा है, वो कहीं जाकर अजीज मिस्र बनेगा और हजरत जुलेखा का माशूक बनेगा।